राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है परिवहन और संचार के जाल। तेल और गैस पाइपलाइन। तरल पदार्थों और गैस की लंबी दूरियों के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है। परंपरा से जल आपूर्ति के लिए प्रयुक्त पाइपलाइनें अब पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा गैस का लंबी दूरियों तक परिवहन करती हैं। ठोस पदार्थों का भी गाद या स्लरी के रूप में पाइपलाइनों द्वारा परिवहन होता है। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में पाइपलाइन परिवहन को ये सुविधाएं प्राप्त हैं। एक, पाइपलाइन ऊबड़ खाबड़ भूमि और पानी के नीचे भी बिछाई जा सकती हैं। दो, इनके संचालन और रखरखाव की लागत कम होती है। और तीन, ये ऊर्जा क्षम और पर्यावरण हितैषी हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से बिहार की बरौनी तेल परिष्करण शाला तल नूनमती होकर सबसे पहली 1152 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सन 1962 से सन 1968 में बनाई थी। पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए 1966 में हल्दिया बरौनी कानपुर पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसके बाद हल्दिया मौरीग्राम राजबंध पाइपलाइन बनी। गुजरात प्रदेश में पाइपलाइनों का एक विस्तृत जाल बिछाया गया है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को कोयली परिष्करण शाला से जोड़ने वाली पहली पाइपलाइन सन 1965 में बनाई गई। इसके बाद कलोल साबरमती कच्चे तेल की पाइपलाइन, नवगांव कलोल कोयली पाइपलाइन और मुंबई हाई कोयली पाइपलाइन बिछाई गईं। पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए अहमदाबाद को पाइपलाइन द्वारा कोयली से जोड़ा गया है। खंभात और धुवरन के मध्य अंकलेश्वर और उत्तरण तथा अंकलेश्वर और वडोदरा के मध्य गैस पाइपलाइनें भी बिछाई गई हैं। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड देश में पाइपलाइनों का संचालन करता है तथा बिजली घरों को गैस की आपूर्ति करता है। 1750 किलोमीटर लंबी हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन काफी पहले बन चुकी है। अब इस पाइपलाइन का बीजापुर से उत्तर प्रदेश में दादरी तक विस्तार कर दिया गया है। मथुरा तेल परिष्करण शाला को
कच्चा तेल पाइपलाइन द्वारा मुंबई हाई से भेजा जाता है। ये पाइपलाइन कच्छ की खाड़ी पर स्थित सलाया और मथुरा के बीच बनाई गई है। पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए मथुरा से दिल्ली और अंबाला होकर जालंधर तक एक पाइपलाइन बनाई गई है। इसके अतिरिक्त मुंबई और पुणे के बीच भी पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बनाई गई है। राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड। ये एक सच्चाई है कि बिजली का न तो भंडारण किया जा सकता है और न ही पड़ोसी देशों को छोड़कर अन्य देशों से इसका आयात किया जा सकता है। ऊर्जा की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता का विकास बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से देश में बिजली की कमी एक नियमित लक्षण है। उत्पादन क्षमता में कमी तथा राष्ट्रीय ग्रिड का न होना ही इसके मुख्य कारण हैं। राष्ट्रीय ग्रिड के बन जाने पर आपातकाल और अत्यधिक मांग के समय बिजली को अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण किया जा सकता है। इस समस्या के एक सीमा तक समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 1980 में सिद्धांत रूप से अपने स्वामित्व और नियंत्रण में राष्ट्रीय पावर यानी विद्युत ग्रिड की स्थापना को मंजूरी दी थी। प्रारंभ में प्रादेशिक पावर ग्रिड को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई। देश में 5 प्रादेशिक बिजली ग्रिड हैं, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी। इन प्रादेशिक ग्रिडों का संचालन वास्तविक एकीकृत रूप में न होकर अंतः संबंधित राज्य बिजली बोर्ड तंत्र के रूप में हो रहा है। प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को ये भय लगा रहता है कि उसकी बिजली का कहीं दूसरे क्षेत्र में उपयोग होने लगेगा। इस भय को दूर करने के लिए कुछ तकनीकी उपाय किए गए हैं। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट अंतः संपर्क इनमें से एक उपाय है। इस तरह के संपर्क एक राज्य के बिजली बोर्ड की बिजली को दूसरे राज्य में नहीं जाने देते। अब तक पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रदेशों को एसी लाइनों द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। अब अन्य प्रदेशों को आपस में जोड़ना शेष है। इनमें से कुछ अंशतः आपस में जुड़ भी गए हैं। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। परिवहन और संचार के जाल। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग
दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।